थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आज आपने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब ये सब बातें पूछने वाली रही नहीं। लेकिन आज से कुछ मंथ पहले तो आप मुझसे पूछते थे रोज। श्रद्धा, मेरे सर में बहुत दर्द हो, प्लीज मुझे तंग नहीं कर। घर में आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। मुझे आप सबको कुछ बताना है। एक्चुअली रिसेंटली मेरे डैड की दूसरी शादी हुई है। श्रद्धा, होश से काम लो। क्या हो गया तुम्हें? हमारा पर्सनल मैटर है ना। क्यों मैं समझी? हम आपके स्टूडेंट्स हैं ना, सबको आपकी असलियत पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी डैड की शादी की कोई परवाह नहीं है, आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी डैड की दूसरी शादी हुई किससे। नन अदर देन मिस अमरीन। कैन यू जस्ट स्टॉप? अभी तो शुरू किया। अब आप लोगों को पता चला कि क्लास की सारी लड़कियों को छोड़ के मिस अमरीन मुझे क्यों टारगेट करती थी? मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन के बहाने इन्होंने अपनी मासूमियत प्रूफ की और ये पूरे प्लान के साथ मेरे डैड को फंसाया। बस कर दो रिदा, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये। क्यों मिस अमरीन, झूठ बोल रही हूं मैं? आपने मेरे डैड को नहीं फंसाया, तो फिर इतनी शर्म कैसी? Everyone say congratulations to Ms. Amreen. Congratulations. Let's give her a round of applause. समरीन, खैरियत है आप इतनी जल्दी में? फखर साहब, इन्हें क्या हुआ है? बेगम साहिबा चले, साहब ने भेजा आपको रिदा बीबी को पिक करने। आप रिदा को पिक करके चले जाए, मैं खुद आ जाऊंगी। किन बेगम साहिबा, साहब ने सख्ती से कहा है कि। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं कैब से आ जाऊंगी, आप रिदा को लेके जाएं। जी देखिए, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इतने डिलेज नहीं चलते हैं। मैंने बार बार आप लोगों को समझाया। मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग की कंप्लीशन की डेडलाइन क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको करता हूँ बाद में कॉल। बाय। वालेकुम सलाम। अकेली आई हैं आप, इसका मतलब कैब पर आई हैं? देखिए, घर आना ज़्यादा ज़रूरी था, ये बात मैटर नहीं करती है कि मैं कैब से आई हूँ ड्राइवर के साथ। वैसे भी मुझे आदत है कैब से आने की। ऐसे क्यों कह रही हैं आप?
फिर से रिदा ने कुछ कहा है आपको, या फिर आपको भी अब उसके साथ एक ही गाड़ी में सफर करना अच्छा नहीं लगता? नहीं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप रूम में आ जाएं, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। मैं समझी, फोन देख लेगा आप। मुझे दीजिए, मैं रखती हूँ और मैं चावल दम पे रख के आई हूँ चूल्हे पे, वो देख लें और ले आए प्लीज। जी अमरीन, कपड़े चेंज करके आ जाओ जल्दी से, मैं खाना लगा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में अब तुम ये नहीं कहना जावियार की तरह कि तुम्हें भी भूख नहीं और तुमने खाना नहीं खाना, चेंज करके आओ। नहीं बात ये नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाऊंगी। सब वाकई मुझे लग रहा है तुम बहुत थकी हुई हो, क्या हुआ आज काम बहुत ज्यादा था क्या? बहुत ज्यादा काम नहीं, मैं आपसे शाम में मिलती हूँ फिर। क्या याद करेंगी आप लोगों को, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाती हूँ आपके साथ। आज का लंच आपका रिदा के साथ। खैरियत है? मुझे तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल फिट। वाह रिदा, क्या काम किया है तुमने। अब बजेगी मिस अमरीन की बैंड, उनको पता चलेगा कि उनका पाला किससे पड़ा है। असल टक्कर तो अब हुई है। आज मैं समरीन जागूंगी और रिदा सुकून से सोएगी। कौन है? रिदा मैं हूं, आ जाऊं। अंदर आ सकता हूं? क्या कहा है उसे, धमकी दी? तामत से लड़ने हैं अपनी नई बीवी के कहने पर? मैं किसी के कहने पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, सिर्फ पूछने आया हूँ ये क्या चल रहा है। पहले तुम सिर्फ आप ही से लड़ा करती थी, अब ये आई है तो इससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इतनी आदत हो गई है लड़ने झगड़ने की कि अपने बाप की इज्जत तमीज लिहाज सब खत्म हो गया। डैड आपको ना उन दोनों की सुनने की बहुत आदत हो गई है, इतनी है कि आपको अपनी बेटी में बस खामियां ही नजर आती हैं। मतलब डैड आपका हर सवाल आर्गुमेंट में बदल जाता है, आपकी हर बात बहस में बदल जाती है। आप जो बातें सुन के आते हैं आप यहाँ पे मुझे बातें सुनाने लग जाते हैं। आप अपनी लाडली बीवी से भी जाके पूछे ना, जैसे आप अपनी चहेती बहन से पूछते थे। मतलब इस घर में हर किसी को मुझसे सवाल जवाब करने का इतना क्यों शौक है? अभी देख लो सर, सर देख लो। मतलब आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी लाडली, आपकी चहेती, ये अल्फाज कहाँ से सीख लिए तुमने? ऐसा तो कुछ नहीं सिखाया था मैंने कभी। पता है अब आकर मुझे लगना शुरू हो गया है कि ये सब मेरे बेचा लाड प्यार की वजह से, उसी के नतीजे जो मैं अब भुगत रहा हूँ, सारी गलती मेरी है। यार आपको पता है आपकी गलती है क्या? क्या? कि आप उस औरत को ना बीवी बना के इस घर में लेकर आए, और जब तक वो इस घर में तब तक आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे और ना ही रियलिटी देख पाएंगे। सारी रियलिटी दिखती है, सब बातें समझ में आती है। और ये जो इस वक्त तुम कर रही हो ना, ये सब ये गलत कर रही हो, बात को घुमाकर इधर से उधर लेके जा रही हो। मेरी बात का जवाब दो ना, ये सब क्या किया तुमने? क्या किया है मैंने? यार नुकसान तो एंड में मेरा ही हो रहा है ना, उन्हें तो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। आपकी बहन को घर मिल गया, वो आ गई इस घर में आपकी बीवी बन के, अब आपको भी छीन रहे हैं वो मुझसे। सब मिलके ना डैड मेरे ही घर में मुझ पे डोमिनेट हो रहे हैं। आपको मेरी खामियां नजर आ रही हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? इस घर में ना किसी से भी बात करने का कोई फायदा ही नहीं रहा है, कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। क्या समझाऊं सबको, बस तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा,
काश तुमने उस दिन मेरी बात समझ ली होती, आज मैं इतनी मुसीबतों में ना होता। सारी आपकी गलती है।